इस बैच में कुछ पुराने बच्चे भी हो और मोस्टली नए बच्चे हैं. तो दिस बैच इज वाज एक्चुअली मेड फॉर द न्यू स्टूडेंट. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी विल बी स्टार्टिंग दिस लेक्चर फ्रॉम लेक्चर वन. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द सेम. यस सर. इजंट इट? यस सर. ठीक. तो चलो, वैसे पुराने बच्चे कितने हो इसमें जो लोग पहले बैच में क्लास करते थे? बहुत सारे हैं. मी सर. 20 स्टूडेंट ओल्ड हो. और टोटल स्टूडेंट कितने अभी आ चुके हैं? 39. एनीवे कोई बात नहीं, पहले भी तो हमने बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 लेक्चर ही किया था. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चले स्टार्ट ना हो. यस यस सर. सो इन वेरी फर्स्ट लेक्चर टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद अ चैप्टर कॉल्ड काइनेमैटिक्स. ये फर्स्ट लेक्चर है या सेकंड लेक्चर है फिजिक्स का? फर्स्ट. नहीं, वेक्टर वाले सर का हुआ है क्या लेक्चर? नहीं हुआ है. ठीक. सो काइनेमैटिक्स मोस्टली, वैसे तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट टू स्टार्ट विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर दोज व्हिच यू ऑलरेडी हैव लर्न्ड इन योर स्कूलिंग. देयर आर सम काइनेमैटिक वेरिएबल्स लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, velocity, acceleration, speed, ये सारे terminology सुन चुके होंगे? Yes sir. Yes sir. So, but इसी सारे terminology को आज हम थोड़ा सा detail में फिर से पढ़ेंगे. ठीक है? Yes sir. तो चलो, तो सबसे पहले mostly हम लोग आज kinematic variables देखेंगे. ठीक है? Yes sir. तो आज हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक वेरिएबल्स. तो जब मैं काइनेमेटिक वेरिएबल्स कहता हूं तो आप लोगों के दिमाग में यही सारे टर्म आते होंगे. स्कूल में भी स्पीड था, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, ये सारी चीजें. तो जस्ट आपके समझने के लिए, सपोज ये मेरा हो गया पॉइंट ए लेट से, और ये हो गया मेरा पॉइंट बी लेट से. तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं? यस सर. यस सर. तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं. आप उसमें से कौन सा पाथ चूज करेंगे, अकॉर्डिंगली आपका एक्चुअल पाथ लेंथ डिसाइड होगा. इजंट इट? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, आप एक तरीका हो सकता है ए से बी तक डायरेक्टली से स्ट्रेट लाइन से जाएं. दूसरा हो सकता है ए से बी तक जाने के लिए आप कुछ ऐसा पाथ ले. तीसरा हो सकता है ए से बी तक जाने के लिए आप दो स्ट्रेट लाइन ले. कुछ भी हो सकता है. Yes, sir. तो ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया. लिखने की जल्दबाजी मत करना, मैं पूरा आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए. सो पाथ नंबर वन, पाथ नंबर टू एंड पाथ नंबर थ्री. तो इसको देखकर कॉमन सेंस समझ में आता है कि जो लाइन ज्वाइनिंग ए टू बी है ये शॉर्टेस्ट पाथ है. Yes, sir. जो लाइन ज्वाइनिंग ए टू बी है ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है. कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. बाकी दोनों पाथ इसके रिस्पेक्ट में
बाकी दोनों पार किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा डिस्टेंस है। तो जो फिजिक्स को अगर छोड़ भी दूं मैं, तो एक टर्म जो डिस्टेंस है वो तो आपको यहाँ से समझ में आया कि डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्चुअल पाथ लेंथ। ये बात समझ में आ रहा है ना कि ए टू बी तक जाने में पाथ वन में मिनिमम रास्ता चलना पड़ता है पाथ टू और थ्री के रिस्पेक्ट में। सो गोइंग बाय दैट वी आर डिफाइनिंग दिस डिस्टेंस एज एक्चुअल पाथ लेंथ। So this is actual path length. Now, as far as displacement is concerned, actual path length तो depend करेगा कि A से B तक जाने के लिए path one लिया, path two लिया या path three लिया। But overall अगर मैं black box देखूं, मैंने नहीं देखा कि आप कौन से रास्ते से गए हैं, तो मेरे लिए आप पहले A पर थे, finally आप B पर हैं, isn't it? ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। मेरे लिए आप पहले ए पर थे, अब आप बी पर हैं। तो ए से बी तक जो डायरेक्ट लाइन ज्वाइनिंग है, मैं तो बोलूंगा ये आप पहले यहाँ थे, अब आप यहाँ हैं। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये आपका है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। तो आप ए से बी तक कोई भी पाथ ले लो, डिस्टेंस चेंज होगा, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग ये जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। एकदम सिंपल सिंपल चीज है, कोई दिक्कत? हाँ सर। ये सब पहले से जानता होगा। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। स्कूल में देखो, स्कूल में हम लोग पढ़ते थे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, याद है? यस सर। यस सर। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर चैप्टर अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे, बट वेक्टर क्वांटिटी जो कुछ भी है वो वेक्टर क्वांटिटी में इतना तो पता है कि वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। Yes, sir. अगर हम ए से बी तक अलग अलग पाथ से जा रहे हैं, अगर हम ए से बी तक अलग अलग पाथ से जा रहे हैं, तो आप पाथ नंबर टू में अगर देखेंगे, अगर आप पाथ नंबर टू में देखेंगे तो देखिए पार्टिकल के पोजीशन के हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज होता जा रहा है का डायरेक्शन। जब yes, यहाँ पर था तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर डायरेक्टेड था, आई मीन रास्ता। बट ए टू बी ए स्ट्रेट लाइन ऐसा है जिसका डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट है ड्यूरिंग इंटायर मोशन। सो ए टू बी वाला जो जो सेकेंड पाथ है जिसमें आपको डबल एरो दिख रहा है, इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप ऑन चेंजिंग, इजंट इट? यस सर। ये जो रेड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन विल कीप ऑन चेंजिंग, टेंजेंशियल है। बट स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ए टू बी जो भी है इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट है। तो हम लोग पढ़ते थे जिसका डायरेक्शन डिफाइंड हो वो वेक्टर कहलाता था, जिसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं हो वो स्केलर कहलाता था, याद है? तो गोइंग बाय दैट वेरी बेसिक हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, कह सकते हैं? सर। यस सर। तो डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, दोनों चाहे वो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो दोनों तो मेजर होगा, मीटर किलोमीटर ऐसा ही कुछ। तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो दोनों का
एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर ही होगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब एक तीसरा टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी देखते हैं। थर्ड काइनेमेटिक वेरिएबल हुआ जिसको कि हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो थर्ड काइनेमेटिक वेरिएबल इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, कोई आइडिया? बोलिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, तो जो जिस वेलोसिटी को आप लोग जानते हैं, ठीक जानते हैं, गलत नहीं जानते हैं, सपोज वो वेलोसिटी आप लोगों की लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यस सर। तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कॉमन सेंस से देखिए कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है सर, है ना? यस सर। ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है सर। तो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर ही होगा। यस सर। कॉमन सेंस है? यस सर। और जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का है। यस सर। यस सर। तो जो आपने बताया उसी हिसाब से फर्स्ट पॉइंट मुझे समझ आया कि वेलोसिटी भी वेक्टर है। और वेलोसिटी वेक्टर क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा जो काम का बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनो। सपोज तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में 5 किलोमीटर है, ठीक है? तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में 5 किलोमीटर है। यस सर। अगर वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में 5 किलोमीटर है और तुम्हें 1 घंटा लगता है स्कूल पहुंचने में, सो यू विल से माय वेलोसिटी इज 5 किलोमीटर पर आवर, इजंट इट? यस सर। बट जस्ट ट्राई टू इमेजिन फ्रॉम द मोमेंट यू स्टार्टेड फ्रॉम योर हाउस टिल द मोमेंट यू रीचेस स्कूल, थ्रू आउट द टाइम यू माइट नॉट बी ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। कहीं रुके yes, भी होगे, कहीं फास्ट भी हुए होगे, डिपेंड करता है रास्ता कैसा मिला होगा। यस सर। बट By any which way you are taking 1 hour time to travel this 5 kilometer ka displacement, you will only say my velocity is 5 kilometer per hour based on this particular formula, displacement upon time, isn't it? So this particular formula, velocity is displacement upon time, ye formula aap jaane anjaane mein एवरेज वेलोसिटी देता है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे के टाइम का एवरेज है ये। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये जो हम लोग स्कूल में निकालते थे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जाने अनजाने में हमें एवरेज वेलोसिटी देती है। क्लियर है? यस सर। यस सर। थर्ड पॉइंट, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। कॉमन सेंस है? इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा या किलोमीटर पर आर होगा, इस तरह का यूनिट मिलता होगा स्कूल में भी, याद है? किलोमीटर पर आर को मोस्टली मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का क्या था? क्या कन्वर्जन फैक्टर था?
5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्जन फैक्टर हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत जगह आपको मिले। क्लियर है या कोई दिक्कत? बोलो यहाँ तक क्लियर है या कोई दिक्कत? अच्छा क्लियर है। ऑल क्लियर सर। अच्छा तो मैंने आपको, मैंने क्या ये पहले से आपको मालूम है, दो फॉर्मूले दिए, एक वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मोर प्रिसाइजली दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, इजंट इट? एंड सेकेंड थिंग, दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन फैक्टर एज एंड व्हेन नीडेड हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, अगला वेरिएबल है जिसको कि हम लोग स्पीड कहते हैं। तो वेलोसिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, वैसे ही स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड के साथ भी वही कहानी है कि इस मेथड से जो भी हम स्पीड बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस मेथड से जो हमारा स्पीड मिलता है, ये स्पीड जाने अनजाने में एवरेज स्पीड है, है ना? तो स्पीड हो गया मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारा हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। गोइंग बाय द सेम स्टोरी, इससे जो स्पीड मिलता है वो जाने अनजाने में एवरेज स्पीड है, आया ना? जिसको हम लोग इस टाइम के एवरेज में लेते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर मेरा डिस्टेंस स्केलर है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। और इसका भी यूनिट मेरा मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ऐसा ही होगा। तो यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां तक समझ आया? अच्छा, एक्सेलरेशन भी बता ही देता हूँ, फिर आगे बढ़े। एक और टर्म था जो स्कूल में आपको मिलता होगा, जिसको कि एक्सेलरेशन कहते हैं, याद है? यस सर। नाम सुना है ना? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जैसा डेफिनेशन इसने कहा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो कहलाता है, लेकिन जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे इस रेट ऑफ चेंज को, तो फिर मुझे वही कहानी होगी। मींस चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। जब हम एक्सेलरेशन ए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही लिखेंगे। अगर रेट ऑफ चेंज को हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब यही हुआ ना, चेंज अपॉन टाइम टेकन। सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जैसे ही ऐसा डेफिनेशन मिल गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसका वही मतलब हुआ कि जितने टाइम इंटरवल में आप निकाल रहे हो, ये चेंज इन वेलोसिटी उतने टाइम इंटरवल का एक एवरेज वैल्यू है। तो इस फॉर्मूले से जो हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये भी जाने अनजाने में मुझे एवरेज एक्सेलरेशन ही देता है। ठीक है सर, दोनों अलग टर्म यूज क्यों होते है? मतलब फिर से बोलिए। फिर अलग अलग से क्यों बोला जाता है उन्हें? क्या अलग अलग से? ऐसे फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज।
ये एवरेज एक्सेलरेशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट जिसको आप एक्सेलरेशन समझते आ रहे हो अब तक और इस तरह के फॉर्मूला से कैलकुलेट करते आ रहे हो, दे ऑल आर एवरेज वैल्यू ऑनली. बट व्हेनेवर आई से सपोज यू स्टार्टेड फ्रॉम योर हाउस फॉर योर स्कूल, मैं कहूँ कि घर से निकलने के 2 मिनट के बाद तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर हो जरूर नहीं है, वो कुछ और भी हो सकता है, तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इस तरह की टर्मिनोलॉजी है जो जिसमें कि हम लोग इस तरह के काइनेमेटिक वेरिएबल को टू द पॉइंट एट अ पॉइंट निकालते हैं. लेकिन इन सारे फॉर्मूले में ये एक एवरेज वैल्यू है, डिपेंड करता है टाइम का आपने कितना लेंथ लिया है, क्योंकि डिवीजन में जहां जहां टाइम है 1 आवर 2 आवर 5 मिनट 10 मिनट ये उतने टाइम का एक एवरेज वैल्यू है, तो ये एक एवरेज एक्सेलरेशन आया समझ में. लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि क्लास सपोज घर से निकलने के 2 मिनट के बाद तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तो ये पूछने का मतलब हुआ कि आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वैल्यू ऑफ स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन व्हाटएवर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. In that case, you will not be able to apply this particular formula, isn't it? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तक जितना बताया उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. तो एक क्वेश्चन लिखिए. लिखता हूँ एक क्वेश्चन. क्वेश्चन कुछ ऐसा कलर क्यों नहीं चूज हुआ, ये देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है, ये पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक पहुंचा, ये एंगल है हमारा मान लो कुछ भी नाम दे दो 30 डिग्री. ये ट्रेवल करने में इसको टाइम लगा लेट से 30 सेकेंड, तो ये t सेकेंड्स में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गया. यहां तक कोई दिक्कत है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गया t सेकेंड में, इसमें कोई दिक्कत है? नमस्कार. तो हम लोगों को ढूंढना है इसमें आपसे पूछा है फाइंड क्वेश्चन ए डिस्टेंस, क्वेश्चन बी डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन सी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड क्वेश्चन डी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. क्वेश्चन समझ आया? यस सर. वैल्यूज नहीं दिया हुआ है, बोलोगे तो आर और टी का कुछ वैल्यू दे देता हूँ अगर वैल्यू में आंसर चाहिए तो, ठीक है? अगर वैल्यू चाहिए तो मैं वैल्यू भी देता हूँ. वैल्यू चाहिए तो क्या लिखो,
रेडियस आर, इसको मान लेते हैं हम कितना मान ले, मान लो 2 मीटर, और जो टाइम है इसको मान लेते हैं 20 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कीजिए। कोशिश करो। हेलो। हाँ सर, एक डाउट था। बोलो। ये जो डिस्टेंस है वो टी सेकेंड्स में कवर हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट? नहीं नहीं, टी सेकेंड्स में, ए से बी तक जाने में उसको टी सेकेंड्स लगा। पीछे का नोट्स लिखे हो या नहीं, नहीं लिखे हो तो थोड़ा नोट्स लिखने को टाइम दो। सर ए से बी कैसे जा रहा है वो? सेंटर से पाथ में जा रहा है। ए से बी, ए से बी इस सर्कुलर पाथ में जा रहा है, इस सर्कुलर पाथ में जा रहा है ए से बी। ओके। ये पार्टिकल का मोशन सर्कुलर पाथ में है। एक काम करो, पहले थोड़ा सा जो नोट्स लिखे हैं उसको लिख लीजिए, अगर नोट्स लिखने को टाइम चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन की, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हो जाए तो बताना, लाइट डाउन कर दूंगा। स्क्रॉल डाउन करो। लिख लिया? यस सर। स्क्रॉल करूं ऊपर? यस सर। यस सर। क्वेश्चन पे पहुंचे? अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सर पाई को सब्स्टिट्यूट करना है या नहीं? मुझे कुछ नहीं पता, आप पहले कर लीजिए फिर बताइए। अच्छा वैल्यू में कह रहे हो, करो या नहीं करो? आंसर में नहीं भी पाई के टर्म में आंसर दे दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर डिस्टेंस पाई बाय 3 मीटर।
सही है सर. डिस्प्लेसमेंट 2/√3 meter, स्पीड 20π/3 m/s. देखते हैं, मैं तो यूं ही वैल्यू दे दिया, देखते हैं. सब लोग अटेम्प्ट कर लिए, बताऊं क्या? हाँ सर. चलिए, आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा. तो बताता हूं, देखिए. देखो, ऐसे समझते हैं कि मेरे चाहिए डिस्टेंस. इस सर्कल में अगर यहां से यहां गया तो ये जो ए से बी का आर्क लेंथ है यही डिस्टेंस होगा. Yes, तो ए पार्ट में डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस, ये तो पक्का है कि आर्क लेंथ AB के बराबर होगा. कोई दिक्कत नहीं सर. अब इस आर्क लेंथ को कैसे निकालें? तो पूरे सर्कल का पेरिमीटर 2πr होता है. यस सर. और पूरे सर्कल में ये एंगल कितना होता है? पूरे सर्कल में जब सर्कुलर पाथ पूरा होगा तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 360 होगा. तो पूरा एंगल जब 360 होता है तब तो 2πr ट्रेवल करता है. तो ये आर्क लेंथ ए भी कितना हो जाएगा? 2π 1/120 × 2πr 2πr/360 × 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री ऐसा होगा. यस सर. ये मेरा हो जाएगा 2πr/, कितना हो जाएगा ये? 12 हो जाएगा. सर, हो जाएगा और भी सब्स्टिट्यूट. आर का वैल्यू मैंने कितना दिया था? 2 meter. π × 2/6. तो ये आंसर मेरा हो जाएगा π/3. करेक्ट सर. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर. नो सर. ठीक, ये तो हो गया डिस्टेंस की कहानी. डिस्प्लेसमेंट को अगर देखोगे अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लाइन जॉइनिंग ए भी होगा. ठीक. नो, डिस्प्लेसमेंट तो लाइन जॉइनिंग ए भी होगा ना. हां सर. तो डिस्प्लेसमेंट जब हम लिखेंगे मतलब लाइन जॉइनिंग ए बी, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री टैन की वैल्यू लेंगे. सर, सर, कैन वी यूज लॉज ऑफ कोसाइन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी? यस यस, दैट आल्सो कैन बी डन. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी लाइन जॉइनिंग ए बी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेंटर को मान लो मैं ओ कहता हूँ. तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि ए बी कैसे निकालेंगे, मान लो मैं एक इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर देता हूं. ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए,
और ये है पॉइंट ओ, और ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, और मुझे इस ट्रायंगल में ए बी लेंथ निकालना है, यही ऑब्जेक्टिव है। यस सर। ये आर के बराबर होगा ओ ए, और ओ बी भी आर के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, होगा बोलो। यस सर। तो इस एंगल को थीटा कहते हैं, तो ये भी थीटा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में 2 थीटा इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में प्लस 30 डिग्री, इसका वैल्यू 180 के बराबर होगा। हाँ सर। तो यहाँ से थीटा कितना मिलेगा? 75 डिग्री मिलेगा। हाँ सर। 75। अब अगर थीटा मुझे 75 डिग्री मिल गया, तो ऐसे सोचिए कि मुझे ए बी निकालना है। तो किसी भी आइसोसेल्स ट्रायंगल में अगर हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो सामने वाले साइड को इक्वली डिवाइड करता है। यस सर। यस सर। तो ए बी हमारा कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एम डिस्टेंस के बराबर होगा। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। और एम डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। सो इस ट्रायंगल में, दैट इज ट्रायंगल एओएम में, तो ट्रायंगल एओएम में देखोगे, तो ट्रायंगल एओएम में हम ऐसा बोल सकते हैं मुझे एम चाहिए ना, तो पी बाई एच मतलब कॉस थीटा से काम चलेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes, sir. तो यहाँ से हम लोगों को ए टू एम कितना मिलेगा? ए बी तो रेडियस आर के बराबर है, तो आर कॉस थीटा के बराबर मिलेगा, मिलेगा बोलो। Yes, sir. Yes, sir. टोटल लेंथ ए बी क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ आर कॉस थीटा। तो टोटल लेंथ ए बी ये मेरा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर कॉस थीटा के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। कॉस थीटा का बताओ ना, आर की वैल्यू 2 और कॉस थीटा का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा कॉस ऑफ 75 डिग्री, यही ना। तो ये सर, आपका बोल ना, क्या बता दू सर? एओएम इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। वो कैसे लिखा ये बता रहे हो सर? वो पार्ट समझा ना सर। नहीं समझा, क्या बोलना चाह रहे हो? कॉस थीटा इज एम बाय ए बी कैसे लिखा ये पूछ रहे हो? नहीं सर, वो कुछ समझा ही नहीं पार्ट, वो ट्रायंगल एओएम और कॉस थीटा वाला। ट्रायंगल एओएम दिख रहा है? यस सर। तो ट्रायंगल एओएम में थीटा दिख रहा है? यस सर। कॉस थीटा पी बाई एच होता है ये मालूम है? यस सर। तो ट्रायंगल एओएम का पी कितना होगा? एम के बराबर। यस सर। और एच क्या होगा? आर के बराबर। यस सर। तो एम एम को एम रहने दिया और ए बी को आर लिख दिया। चलो आपके लिए यहाँ पर एक बार और मैं लिख देता हूँ, एक लाइन जो मिस कर दिया था वो लिख देता हूँ। इसको एम रहने देता हूँ और डिनोमिनेटर में ये आर है,
तो यहाँ से मिल गया ए एम इज आर कॉस थीटा जो नीचे लिखा मैंने, यस सर, है ना। तो हम लोगों को डिस्टेंस का आंसर मिल गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट अब अगर ये थीटा का वैल्यू मान लो कुछ वैसा होता 30, 60, 45, 90 जो सब आपको याद है, फिर तो एग्जैक्ट वैल्यू लिख देते। अभी हम लोग 75 डिग्री ही रहने देते। वैसे ही 75 डिग्री को भी अगर निकालने आता होगा तो निकाल सकते हो, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री होगा। और cos a plus b का फॉर्मूला याद है किसी को? cos a cos b minus sin a sin b फर्दर निकाल सकते हो, तो वो उतनी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो निकाल सकते हैं। अदरवाइज फिजिक्स के लिए यहाँ तक से काम चलेगा। आगे बढ़े। यस सर, यस सर। थर्ड, थर्ड में पूछा किसकी आवाज आ रही है? सर योगराज। ओ ओ, म्यूट कर दूंगा मैं सबको। सो मैं क्या कह रहा था, हाँ, सी पार्ट में मुझे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ऐसा कुछ पूछा होगा मैंने, है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। तो जो स्पीड होगा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर। तो देखो डिस्टेंस तो हम निकाल चुके हैं ये पार्ट में, और टाइम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना निकाला था? पाई बाई थ्री मीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड्स। तो ये मेरा हो जाएगा पाई अपॉन 20 × 360 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा। यस सर। आया समझ में? यस सर। इसी तरह वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होगा। यस सर। तो पार्ट डी में वेलोसिटी। हेलो हेलो वेलोसिटी, वेलोसिटी मेरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर पाई बाई थ्री बाई 20 करने के बाद 20 पाई बाई थ्री आना चाहिए ना? ओ भाई साहब एक सेकंड, पाई बाई थ्री अपॉन 20 करेंगे तो 20 पाई आएगा बेटा, कैसी बात कर रहा है? नहीं सर पाई 20 पाई नहीं। तो क्या बोल रहे हैं बोलिए सर? अब ये जो फॉर्मूला उसके हिसाब से पाई बाय थ्री अपॉन 20 होगा ना आंसर? तो फिर अगर ये हम 20 को ऊपर लेके जाएंगे ना न्यूमरेटर के यहाँ पे, क्यों न्यूमरेटर में ले जाएंगे? नहीं है क्या मेरा फिर जंबल अप हो गया शायद? बताओ क्यों न्यूमरेटर में ले जाएंगे? ऐसा मेरे को लग रहा है कि स्कूल में बताया था शायद। ऐसा क्या पता, कुछ भी बोल देते हो तुम लोग यार। सॉरी सर। डिवीजन अब मैं क्या बताऊं, डिवीजन मुझे पाई बाय 20 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 20 पाई बाय 60 होगा या तुम्हारे हिसाब से 20 पाई बाय 3 होगा, ऐसा लग रहा है? सर बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है उसमें। क्या सर कॉस 75 बाय पाई आएगा? क्या बहुत दिन हो गए? cos 75 upon 5 this much meter per second, ये आंसर होगा इसका। सर हाँ एक डाउट है। बोलो ना सर। बी वाला जो है ना डिस्प्लेसमेंट वाला, हाँ वो नहीं समझा मुझे पूरा।
क्या नहीं समझा वही तो तुम्हारे सामने वाला स्क्रीन पे बताओ क्या नहीं समझा इसमें ये ट्रायंगल AOM से पूरा एक बार समझाओ ना अरे भाई साहब चलो क्वेश्चन पे आओ सर हम कॉर्ड के फॉर्मूले से कर सकते हैं क्या हाँ हाँ कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं ये दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा है यस सर तो क्वेश्चन दिख रहा है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा लाइन ज्वाइनिंग ए बी होगा यस सर होगा तो यहाँ पर मुझे A to B का जो लाइन ज्वाइन कर दिया इसी का लेंथ चाहिए इसका लेंथ मिल गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट मिल गया यस सर तो ये लेंथ कैसे मिलेगा तो O A और B इन तीनों को मिलाकर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया यस सर वो ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहा है जिसमें yes, मुझे यही A to B वाला लेंथ ढूंढना है आया ना तो जो मुझे ढूंढना है वो क्या है A to B वाला लेंथ है यस सर तो ये A to B वाला लेंथ अगर मिल गया तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट का आंसर होगा yes, तो इस ट्रायंगल में दो साइड मुझे मालूम है यस सर और दोनों साइड के बीच का एंगल मुझे मालूम है यस सर किसी भी ट्रायंगल में अगर तीन डेटा मालूम है तो ट्रायंगल का हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं यस सर है ना तो इसमें मुझे इस ट्रायंगल का ए बी साइड लेंथ ढूंढना था ठीक है तो अब कैसे ढूंढे तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है ऐसा दिख गया यस सर तो जैसे ही दिख गया कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है हम क्या करेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड मुझे उसका लेंथ निकालना है और उसका वर्टेक्स का एंगल 30 डिग्री मालूम है तो सबसे पहले हम ये दोनों एंगल निकाल लेंगे एंगल ए और एंगल बी कितना है तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है मालूम है और बेस का दोनों एंगल बराबर है ये दिया हुआ है मतलब बराबर होगा क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है है ना तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 2θ + 30 = 180 degree इसमें कोई गलती दिख रही है तुम्हें या कुछ ऐसा है अभी तक जो नहीं समझ आया तो ये दोनों एंगल 75 डिग्री मिला ये वाला थीटा और ये वाला थीटा यस सर ये एंगल 75 डिग्री तक कोई दिक्कत है नहीं सर नहीं तो ये एंगल मिल गया ये साइड आर मालूम है तो मुझे एएम डिस्टेंस चाहिए यस सर तो ओए ओएएम राइट एंगल ट्रायंगल लिया यस सर एओएम ये जो दिख रहा है आपको AOM ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया तो राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा क्या होता है b by h होता है यस सर तो AOM का b क्या है b AM है और h है AB AB की वैल्यू रेडियस के बराबर है AM की वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि AM की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो उसी का डबल वैल्यू AB का होगा यस सर तो मुझे यहाँ से इस ट्रायंगल से AM की वैल्यू मिल गई r cos थीटा के बराबर तो AB की वैल्यू क्या हो गई उसका डबल 2r cos थीटा तो 2 r का वैल्यू 2 मीटर दिया है और थीटा का वैल्यू 75 तो cos 75 तो मल्टीप्लाई होकर हो गया 4 cos 75 कॉपी करना है जल्दी से कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं सर ये
Sir, will the options will be in the form of decimals or we need or will it be in the form of pi and trigonometry form? What exactly? Sir, the options, suppose in the case we have got the answer as pi by 60 meters per second. So the options will be like that or the answer will be written in the decimal form, the answer. Depending upon the options given, if it is given in point form, then you need to calculate. If not, then this much is okay. Because whatever left is calculation only, na? Got it, sir. आगे बढ़े बोलो आगे बढ़ूं यस सर यस सर तो अभी तक जो जितना मैंने बताया है आपको कि वेलोसिटी एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस स्पीड उसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करते हैं ठीक है अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके बुकलेट में भी मिल जाएगा क्वेश्चन दिख रहा है आपको यस सर पढ़ने लायक है यस सर विजिबल है यस सर जरा जल्दी से कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने
आदित्य नंदिनी दोनों का आंसर गलत है बेटा। देखो इधर किसी और ने भी आंसर दिया। सुशांत सुशांत का मुझे लग रहा है सही है, वैसे चेक करके देखते हैं, बाकी सबका गलत है। अरे T1 T2 T3 कहाँ दिया है जो आप लोग सब लोग टाइम के टर्म में आंसर बता रहे हो? क्वेश्चन में कहीं ये वेरिएबल है? क्वेश्चन में जो वेरिएबल होता है उसी के टर्म में आंसर देते हैं ना। सर व्हाट आर द ऑप्शंस? नो ऑप्शंस, व्हाई यू नीड ऑप्शंस? सर एक्चुअली इट इज कमिंग इन वेरिएबल्स। Too many variables. No, how come it come in variables? Those variables U, V and W. Three variables are given. Answer will be, in the form of these three variables only. No extra variable is needed. And for distance, can we consider X? Whatever you consider, that will get eliminated finally. Okay, fine. Dekho. Koi nahi, sab log idhar dekhiye. क्वेश्चन में देखिए कुछ ऐसा लिखा है, बॉडी कवर 1/3 ऑफ इट जर्नी, मतलब टोटल डिस्टेंस का 1/3 डिस्टेंस यू स्पीड से जाता है ना? Yes. यही मतलब है? बोलो। यस सर। यस सर। फिर लिखा है नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस वी से जाता है और लास्ट 1/3 डिस्टेंस W से जाता है, ये लिखा हुआ है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? तो हम लोगों को एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पता है ना? यस सर। देखिए सिर्फ यही मेरे पास पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड, उसी को यूज करते हैं। देखिए अपने मन से क्या कर लो, यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस कुछ भी है मान लो, इसको मुझे 3 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, तीनों डिस्टेंस इक्वल है, लिखा है ना ऐसा? तो अगर मैं A to C को X अज्यूम कर लूं, तो C to D भी X होगा और D to B भी X होगा, आया ना? Yes, sir. A to C में इसकी स्पीड थी V या U, एक ही फर्क पड़ता है। C to D में U और D to B में W, ऐसा था? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जो हम लोगों को चाहिए एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सबको मालूम है?
यस सर तो वही मैं लिख देता हूँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस इस केस में कितना हुआ वन थर्ड थ्री एक्स हुआ यस सर बोलता है ए टू बी तक में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ ए टू बी तक में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ थ्री एक्स टोटल टाइम तो ए टू सी जाने में टाइम लगा होगा प्लस सी टू डी जाने में टाइम लगा होगा प्लस डी टू बी जाने में टाइम लगा होगा ये तीनों टाइम का सम ही टोटल टाइम होगा यस सर तो अगर ये तीनों का टाइम मिल गया तो हमारा काम चलेगा देखिए ऊपर तो हो गया 3x डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो a टू c तो a टू c का डिस्टेंस कितना है v x है a टू c का टाइम चाहिए तो डिस्टेंस कितना है x बोलो ना हाँ और a टू c में स्पीड कितना है v v तो टाइम कितना लगेगा x by v लगेगा हाँ सर यस सर उसी तरह c टू d का डिस्टेंस कितना है x upon u और स्पीड कितना है u तो x upon u लगेगा टाइम x upon w अब उसी तरह थर्ड केस में टाइम लगेगा x upon w यस सर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में x दिख रहा है यस सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में x दिख रहा है तो ये सारे x को हम कैंसिल कर सकते हैं यस सर यस सर मतलब ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा सब x यस सर तो ये कितना हो गया न्यूमरेटर में हो गया थ्री डिनोमिनेटर में वन बाई यू प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन डब्ल्यू यही हो गया यस तो न्यूमरेटर में थ्री रहने दो डिनोमिनेटर में यू वी और डब्ल्यू का एलसीएम यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू लिख सकते हो ना यस सर तो ये क्या हो जाएगा v इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू v ऐसा हो जाएगा यस यस सर तो ये जैसे ही हो गया तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अब ये वैल्यू मेरी हो गई थ्री डिनोमिनेटर से u इंटू वी इंटू डब्ल्यू ऊपर गया और नीचे बच गया मेरा v इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू वी ये हमारा एवरेज स्पीड का ये आंसर होगा आया समझ में सेम आंसर किसको किसको आया था सर मुझे जल्दी से कॉपी कर लो जिसको करना है सर नेक्स्ट लेक्चर कब होगा मतलब टाइम टेबल तो दिया होगा ना बेटा ग्रुप में टाइम टेबल देखा है सर एक्चुअली मैं फाउंडेशन बैच से हूँ हाँ हाँ फाउंडेशन बिल्डर टू बैच में टाइम टेबल देखा है मैं वन से हूँ
अच्छा तू वन से आया है टू में, तो आज कैसे आया, कैसे पता चला लेक्चर है? सर एक्चुअली उसमें आप बहुत आगे निकल गए थे और मैं लेट शुरू हुआ था मेरा। अरे बेटा मैं कह रहा हूँ फाउंडेशन बिल्डर वन में तुम हो, तो आज के लेक्चर का कैसे पता चला तुम्हें? निकिता मैम ने बोला। निकिता मैम ने बोला, तो उनको बोलना कि इसका फाउंडेशन बिल्डर टू का तुम्हें शेड्यूल ट्रांसफर आई मीन मैसेज कर देगी, ठीक है? ओके तो एक ही कैंसिल होगा, तीनों कैसे कैंसिल हुआ? एक तो कॉमन लेक्चर, एक्स प्लस एक्स कितना होता है? ठीक है सर, समझ गया समझ गया समझ गया। आगे बढ़े क्या? यस सर। लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आया आंसर या बताऊं मैं? सर आ रहा है एक सर आंसर 60 किलोमीटर पर आवर सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर क्या आया आंसर बताओ कोई? 60 किलोमीटर पर आवर किसी को आया वो सही है? यस सर 60 किलोमीटर पर आवर वेरी गुड। चलो बाकी लोग इधर देखो, सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 10 hour trip तो टोटल टाइम मुझे मालूम है 10 hour is made at an average speed of 40 kilometer per hour तो इस 10 hour के ट्रिप में एवरेज स्पीड था 40 kilometer per hour लिखा है। इफ ड्यूरिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस तो इफ ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बस का स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर ठीक है, तो आपसे पूछा है कि सेकेंड हाफ में बस का स्पीड कितना होगा। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिया हुआ है कि टोटल जर्नी में टाइम लगा 10 hour वो दिया हुआ है, और टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये पता चल जाएगा। टोटल डिस्टेंस हमारा होगा 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 400 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। पूरी जर्नी का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, ये क्लियर हो गया? यस सर। पूरी जर्नी का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, तो उसमें से फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब फर्स्ट 200 किलोमीटर तो फर्स्ट 200 किलोमीटर ये जाता है किस स्पीड से? तो 30 किलोमीटर पर आवर से। तो नेक्स्ट 200 किलोमीटर किस स्पीड से जाएगा यही मुझे फाइंड आउट करना है, यही मतलब है ना? यस सर। तो टोटल टाइम तो मुझे लगा 10 hour तो अगर मैं इसको नाम दे दूं, इस पॉइंट को ए कह दो, इस पॉइंट को बी कह दो और इस पॉइंट को सी कह दो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी प्लस
टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी ये दोनों मिला के 10 आवर होना चाहिए. यस सर. ऐसा कह सकते हैं ना. कोई दिक्कत? नो सर. तो ऐसा कह सकते हैं. तो ए टू बी में 200 किलोमीटर है और 30 का स्पीड है. तो ए टू बी का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? ये टाइम हो जाएगा मेरा 200 किलोमीटर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर. यस सर. प्लस 200 किलोमीटर अपॉन जो भी स्पीड में v मान लूं. yes, ये दोनों मिला के 10 आवर होना चाहिए. यस सर. 200 में कॉमन ले लिया तो ये मेरा हो गया 1/30 प्लस 1/v. दिस इज इक्वल टू 10. So finally 1/30 plus 1/v is 1/20, isn't it? Yes sir. Yes sir. So अगर मैं LCM ले लूं तो ये हो गया 30v और ऊपर हो गया मेरा v plus 30. This is equal to 1/20. Yes. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यस सर. तो 20v प्लस 600 दिस इज इक्वल टू 30v. यस सर. है ना. 10v इज इक्वल टू 600. वेरी गुड. तो इसको इधर ले जाओ तो 10v मेरा हो गया 600 के बराबर और सारा यूनिट मैंने किलोमीटर पर आवर में लिया था. तो वी की वैल्यू हो गई 60 किलोमीटर पर आवर. यस. आया आंसर? यस सर. किसी को कोई डाउट? यस सर. आ गया आंसर. कोई डाउट है किसी को? किसी को ये समझने में कोई भी डाउट हो तो बोलो. सर 1/30 प्लस 1/v इक्वल्स टू 120 के बाद वाला स्टेप है वो कैसे, वो क्या हो उसमें, क्या क्या आपने 1/30 प्लस 1/v में 30 और v का LCM ले लिया. है ना. 30 और v का LCM कितना होगा भाई साहब? कोई नहीं पता एलसीएम कैसे निकाल. क्या हुआ? 30 और v का एलसीएम कितना होगा? 30v होगा. तो एलसीएम में 30v लिख दिया. दिख रहा है? यस सर. कॉपी कर लिया? आगे बढ़ूं? यस सर. हो गया सबका? आगे बढ़ो. यस सर. ठीक. नेक्स्ट एक क्वेश्चन करो. थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है. कोशिश करो. दिख रहा है? ये एक सिनेरियो, इसको सॉल्व करो. थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट कोशिश करो. उतना कुछ खास नहीं है.
दिमाग लगा के कोई जल्दबाजी नहीं है आंसर देने का, मैं कोई प्राइज नहीं दे रहा जल्दी आंसर। फिर फाइन क्या करना है? एवरेज स्पीड। सर सर इसमें ढूंढना क्या है? एवरेज स्पीड। भगवान इतनी बार एक ही बात पूछता है। चलो मैं लिख देता हूँ क्या ढूंढना है। Fine. Average speed during journey. Okay. सर आ गया आंसर क्या आया?
6 v1 v2 v3 upon 2 v2 v3 plus v1 v2 plus v1 sorry v2 answer batata ye hai answer. आंसर दिखा? हाँ. What? Don't tell anyone till we don't take it. हाँ. नहीं तो आप किसी को बोलोगे. तो जिसको भी आंसर आया मैच करके देखो ये है आंसर. पर मेरा रॉन्ग हुआ फिर. सॉल्व करूं यस सर यस सर. चलो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा. देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि वन थर्ड ऑफ डिस्टेंस, तो ये फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, तो ये वन थर्ड डिस्टेंस है, याद रखना यहाँ पर डिस्टेंस है, और फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस v1 स्पीड से जाता है. रिमेनिंग डिस्टेंस का यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखा है, वन फोर्थ ऑफ रिमेनिंग टाइम है. पहले डिस्टेंस था, यहाँ पर वन फोर्थ ऑफ रिमेनिंग टाइम है, वो v2 से जाता है, एंड थ्री फोर्थ ऑफ रिमेनिंग टाइम है ना. यस सर. एंड थ्री फोर्थ ऑफ रिमेनिंग टाइम ये जाता है v3 स्पीड, और हम लोगों को एवरेज स्पीड ढूंढना है. चलो जरा सा ध्यान दो, थोड़ा जल्दबाजी में मत लेना, ध्यान से सुनना सर, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे. लिखना बिल्कुल मत, ध्यान से पहले सुनो, एक बार समझ आ गया तो काम चलेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी.
मान लो यहां से शुरू किया चलना और फाइनली इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो सीधा लाइन में पॉइंट ए से इसको मान लो पॉइंट बी जाना। पहले क्या कहता है, वन फोर्थ ऑफ डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अगर x है तो वन फोर्थ ऑफ डिस्टेंस मतलब x बाई फोर, तो ये x बाई फोर हो गया अगर टोटल डिस्टेंस x है तो, आया ना? यस सर। तो ये जो डिस्टेंस बच गया c टू b वो कितना होगा, वो 3x बाई फोर होगा। यस सर। सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा? वो x upon 4 और 3x upon 4 by 4। ये भगवान, किसी चीज में से x में से 1/4 हटाओगे तो कितना बचेगा? सर 1/3 निकालना है ना पहले। ओ माय मिस्टेक बेटा, माय मिस्टेक, 1/3 है, 1/4 नहीं है। सही बोला, माय मिस्टेक, मुझे मैंने 1/4 कहीं से पढ़ लिया, 1/4 1/3 है। एक सेकंड, सही बोला। तो पहले ये आंसर वाला पूछा है, तो ये पहले डिस्टेंस 1/3 है ना, तो टोटल डिस्टेंस अगर x है तो पहले के डिस्टेंस को हम x by 3 समझ लेते हैं, ठीक है? तो पहले के डिस्टेंस को अगर x by 3 ले लेंगे तो दूसरा डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस को अगर हम x by 3 ले लेंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा, 2x by 3। ये x by 3 हो गया और ये हो गया मेरा 2x by 3, ठीक है? Yes sir। तो ये x by 3, ये 2x by 3। अब आगे कहता है कि जो remaining distance है उसका 1/4 of time, तो 1/4 of time का मतलब है c से b तक जाने में अपने मन से मान लेते हैं कि मुझे टाइम लगा t। ये टी क्या है, सी से बी तक जाने का टाइम है, क्लियर? यस सर। तो उसका 1/4 टाइम मतलब टी बाई 4 टाइम होगा 1/4। यस सर। यस। इसमें कितना स्पीड से गया है, 1/4 वी टू से गया है, V2। तो ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, v2 into t by 4, ऐसा हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, v3 into 3t by 4। यस सर। सो v3 into 3t by 4 ये रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सोच के समझ के बोलो, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यस सर। टोटल टाइम c टू b का मैंने t मान लिया, तो कहता है कि उस टाइम का 1/4 v2 स्पीड से ट्रेवल किया, मतलब c टू d तक v2 स्पीड से ट्रेवल किया t by 4 टाइम तक, तो c टू d का डिस्टेंस हो जाएगा v2 into t by 4। Yes, sir। और t में से t by 4 चला गया तो 3t by 4 बच गया। Yes, sir। तो d to b का हो गया v3 into 3t by 4। Clear है? Yes, sir। Yes, sir। तो मुझे चाहिए एवरेज स्पीड, तो मेरा जो एवरेज स्पीड होगा, इस एवरेज स्पीड को
हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यस सर. यस सर. तो टोटल डिस्टेंस तो एक्स हो गया और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो ए से सी तक जाने का टाइम प्लस टी होगा. सी से बी तक तो मैंने टी मान लिया है. यस यस सर. तो ये हो गया एक्स. डिनोमिनेटर में देखो, ध्यान से देखना सर. ए टू सी तक के जाने का टाइम कितना होगा, तो ए टू सी तक में स्पीड तो वी वन है. हाँ. और डिस्टेंस एक्स बाई थ्री है. यस. तो ये टाइम हो जाएगा आपका एक्स बाई थ्री अपॉन वी वन. यस सर. ये बात समझ आई. यस सर. प्लस टी. अब देखो अननेसेसरी मेरे पास दो वेरिएबल हो गए, एक्स भी हो गया और टी भी हो गया. Yes. हम लोग सोचेंगे कि या तो मैं एक्स को टी के टर्म में कर लूं या टी को एक्स के टर्म में कर लूं, अगर हो जाए तो मेरा काम सॉल्व होगा. यस सर. यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है. दिमाग ये लगाना है कि सी टू बी तक का डिस्टेंस देखो तो 2x by 3 है. Yes. अच्छा. और टाइम के टर्म में देखोगे तो सी टू बी तक का डिस्टेंस आपको कितना दिखेगा, प्लस वी थ्री इंटू थ्री टी बाई फोर. यही दिखेगा ना, वी टू इंटू टी बाई फोर प्लस वी थ्री इंटू थ्री टी बाई फोर. तो इन दोनों का सम 2x by 3 होना चाहिए. हाँ सर. तो इसको इक्वेशन 1 पकड़ के रहने दो. अब v2 into t by 4 plus v3 into t by 4 इन दोनों के सम को हम लिख देते हैं 2x by 3. कोई दिक्कत? नो सर. सो ऑल्सो दिस 2x by 3 is nothing but v2 into t by 4 plus v3 into 3t by 4. Yes sir. Yes sir. तो यहां से क्या करो, t को x के टर्म में लिख के इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. यस सर. ठीक है, खुद चेक करके देखो जरा सा. इक्वेशन 2 से टी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. यस सर. कीजिए कोशिश जरा खुद से. आया किसी को या मैं करूं?
सर वहां पे 2x अपॉन 3 आना चाहिए ना. हां 2x अपॉन 3 इज v2 into t by 4 प्लस v3. सर वहां पे 9 लिखा है आपने. अरे 3 है वो 3. यहां पर 4 LCM ले लो तो क्या हो गया v2 into t प्लस यहां पर 4 LCM ले लेंगे तो 3 v3 हो गया 3 v3 into t हो गया. हां और राइट हैंड साइड में मेरा हो गया 2x upon 3. ठीक है. तो राइट हैंड साइड में t कॉमन ले लिया. तो t कॉमन लेने के बाद t क्या इनफैक्ट t by 4 कॉमन ले लीजिए. तो t by 4 कॉमन लेने के बाद बच जाएगा v2 plus 3v3 ऐसा होगा. Yes, sir. तो यहां से आपको t मिल गया x के टर्म में. Yes. तो यहां से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा t is equal to इसको उधर ले जाइए तो 4 into 2 8x divided by 3 times v2 plus 3 v3 ऐसा होगा. ऐसा होगा. Yes sir. Yes sir. अब t की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा काम चलेगा. हां सर. यस. तो t की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो यहां से t की वैल्यू आकर ये जो इक्वेशन 1 में यहां पर है वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. देखिए एवरेज स्पीड का वो आंसर आता है जो मैंने दिया था. आया आंसर या मेरा वेट कर रहे हो. चलो मैं ही कर देता हूं समझ गया. चलो नहीं आया तो इधर देखो तो हमारा ये एवरेज स्पीड v हो जाएगा. ऊपर में x था नीचे में डिनोमिनेटर में था x by 3 upon v1 था. Yes, था ना x by 3 v1 plus t था. तो t की वैल्यू जस्ट देखिए क्या है. x upon 3 v2 plus 3 v3 यही है. Yes sir. तो ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो ये हो गया मेरा 8x upon 3 times v2 plus 3 plus
थ्री वी थ्री। अब सब में से x कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? यस सर। यस यस सर। तो सब में से x को कैंसिल कर दीजिए। देखिए यहाँ से x कैंसिल होगा, ये वाला x कैंसिल होगा और फिर ये वाला x कैंसिल होगा, होगा? हाँ सर। तो ये तीनों x कैंसिल होने के बाद ऊपर हो गया वन, डिनोमिनेटर में देखोगे तो एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम ले लेंगे तो थ्री टाइम्स वी वन इंटू वी टू प्लस थ्री वी थ्री, यही होगा ना? यस सर। ऐसा कुछ होगा तो अब एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो खुद से या मेरा वेट कर रहे हो? ऊपर हो जाएगा वी टू प्लस थ्री वी थ्री प्लस एट वी वन, ऐसा होगा? यस सर। वी टू प्लस थ्री वी थ्री प्लस एट टाइम्स वी वन होगा, ऐसा होगा? यस सर। अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओगे तो मुझे लगता है जो आंसर मैंने दिया था वो आ गया, है ना? तो मेरा आंसर हो गया थ्री वी वन इंटू वी टू प्लस थ्री वी थ्री डिवाइडेड बाय v2 प्लस 3v3 3v3 प्लस 8v1, ऐसा कुछ आंसर दिया था? ऐसा कुछ आंसर दिया था बोलिए। यस सर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। एक छोटा सा असाइनमेंट केवल ये एवरेज वेलोसिटी निकालने वाला 10-15 क्वेश्चन का मैं आपको होमवर्क ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? और ये वाला लेक्चर नोट लास्ट में जाके थोड़ी सा इसके स्टाइलस में प्रॉब्लम आ गई ये भी मैं हार्ड कॉपी में इसका शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है? यस सर। ग्रुप में जस्ट अभी शेयर कर देता। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? सर एक बार आंसर दिखा दीजिए ना। आंसर अभी दिखा देता हूँ। थैंक यू सर। अभी दिखा देता हूँ आंसर। ये आंसर है, दिख रहा है नीचे? यस सर। वो जो लिखा हुआ 3v1v2 प्लस 9v1v3, 3 अंदर चला जाएगा तो यही हो जाएगा अपॉन 8v1 प्लस v2 प्लस 3v3, सेम आंसर है? यस सर। थैंक यू सर। चलिए बाय बाय सर।